गौर गोपाल दास आज हमारे बीच द आइडियल यंग स्पिरिचुअल गुरु के तौर पर फेमस है, पर क्या आपको पता है उन्होंने कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की स्टडी कंप्लीट की हुई है। जी हाँ, उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने घर और परिवार को छोड़ दिया और मुंबई के डाउनटाउन एरिया में एक आश्रम में मॉन्क बनकर रहने लगे। वो पिछले कई सालों से वहीं पर रहकर एंशियंट फिलोसॉफी और लाइफ लेसन को हमारे बीच पहुंचा रहे हैं। ईयर 2005 में उन्होंने दुनिया में ट्रैवल करना स्टार्ट किया और अपने नॉलेज को पूरी दुनिया के साथ शेयर करने के लिए एफर्ट्स लगाए। 2016 तक वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे और इसी साल उन्होंने अपने सोशल मैसेजेस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करना शुरू किया। 2017 में जब पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के एग्जीक्यूटिव ने गौर गोपाल दास को बुक के थ्रू अपने मैसेजेस स्प्रेड करने का आइडिया दिया तो उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स। और आज के इस वीडियो में हम इसी बुक के कुछ लेसन्स के बारे में बात करेंगे। गोपाल दास जी के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ को हम एक कार के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कार में बैलेंस बनाने के लिए चारों व्हील्स का ठीक से घूमना जरूरी है, वैसे ही हमारी लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप, वर्क लाइफ और सोशल लाइफ में बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। इनमें से एक भी व्हील में बैलेंस नहीं है तो हमारी लाइफ में भी बैलेंस नहीं हो सकता। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम जानते हैं कि इन चारों व्हील्स में बैलेंस कैसे बनाना है। व्हील वन, पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ यानी आप अपने आप के साथ कैसे बिहेव करते हो, अंदर से अपने आप से कितना सेटिस्फाइड हो। अपने आप से खुश और सेटिस्फाइड रहने का एक ही तरीका है और वो है ग्रेटिट्यूड, यानी आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए अपनी खुशी जाहिर करना। ग्रेटिट्यूड फीलिंग के साथ साथ एक प्रोसेस भी है, इसलिए कोई भी इसे सीख सकता है। ग्रेटिट्यूड की प्रोसेस के स्टेप्स को गौर गोपाल दास जी ने ग्रेटिट्यूड के प्रिंसिपल्स कहा है और ये प्रिंसिपल्स है रेकोगनाइज, रिमेंबर एंड रेसिप्रोकेट। रेकोगनाइज यानी उन चीजों को आइडेंटिफाई करना जो आपकी लाइफ में वैल्यू एड करती है पर उन पर कभी आपका ध्यान भी नहीं गया, जैसे कि आपकी मदर या आपकी वाइफ आपकी लाइफ में छोटे छोटे काम से जो वैल्यू एड करती है, या फिर आप फिजिकली फिट हो, या फिर छोटी सी चीज जैसे कि आप सुबह उठ पाए। ऐसी और चीजें हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट होती है पर उन पर कभी हमारा ध्यान ही नहीं जाता और हम खुश होने के कई मौके गवा देते हैं। दूसरा प्रिंसिपल है रिमेंबर, यानी इन चीजों को याद रखना। ऐसा कई बार होगा कि हम अपनी लाइफ में इन चीजों को भूल जाएंगे लेकिन थोड़े से एफर्ट से हम इन्हें याद रख सकते हैं। तीसरा और आखिरी प्रिंसिपल है रेसिप्रोकेट। ग्रेटिट्यूड रेसिप्रोकेट करना यानी एक्शंस के थ्रू ये बताना कि आप सच में उन चीजों के लिए ग्रेटफुल हो, जैसे कि यू ही अपनी मदर या वाइफ को कोई गिफ्ट देना, फिजिकल फिटनेस दिखाने के लिए एक्सरसाइज करना या फिर ऐसे और कई छोटे एक्शंस। इन तीनों प्रिंसिपल्स को लाइफ में उतार कर आप अपनी पर्सनल लाइफ को कई गुना ज्यादा बेहतर बना सकते हो। हमारे अंदर छुपी एंजाइटी और स्ट्रेस भी हमारी पर्सनल लाइफ को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है और इससे बचने का एक सिंपल फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है और ये फॉर्मूला आप गौर गोपाल दास जी की आवाज में ही सुनिए। आई गारंटी यू इफ दिस इज अप्लाइड इन लाइफ वी कैन हैव पीसफुल नाइट्स स्लीप। डू यू हैव अ प्रॉब्लम इन लाइफ? नो, देन व्हाई वरी? Do you have a problem in life? Yes. Can you do something about it? Yes. Then why worry? Do you have a problem in life? Yes. Can you do something about it? No. Then why worry? To have peace of mind. Wheel 2, relationships. हमारे words में इतनी ताकत होती है कि उनसे हम दूसरों के साथ आसानी से अच्छे relations बना भी सकते हैं और हमारे existing relations को बिगाड़ भी सकते हैं। इसलिए अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए कन्वर्सेशन में यूज किए जाने वाले वर्ड्स को वाइजली चूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला पर्सन आपसे अच्छे से बात ना करे या फिर आप पर गुस्सा करे, तब हमें उनके एक्शंस को जज नहीं करना बल्कि उनके इंटेंशंस को देखना है। ऐसे सिचुएशन में कोई भी एक्शन लेने से पहले हजार बार सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन फिर भी हम लोगों के बिहेवियर को तो कंट्रोल नहीं कर सकते। गौर गोपाल दास जी के अकॉर्डिंग ऐसी सिचुएशन में हम लोगों के बिहेवियर को 5 वेज में परसीव कर सकते हैं। फर्स्ट, सिर्फ लोगों की बुराई देखना और उसे मैग्निफाई करना। सेकंड, लोगों की अच्छाई और बुराई देखना और अच्छाई को भूलकर बुराई पर फोकस करना। थर्ड, लोगों की अच्छाई और बुराई देखना और न्यूट्रल बनना। फोर्थ, लोगों की बुराई या भूलकर अच्छी चीजों पर फोकस करना। या फिर फिफ्थ, लोगों की अच्छाई देखकर उसे मैग्निफाई करना। इन सभी स्टेट में से फोर्थ स्टेट आइडियल है। लोगों का बिहेवियर अगर सोशल वैल्यूज और हमारे कल्चर को अफेक्ट नहीं करता और हमारी पर्सनल फीलिंग्स को ही हर्ट करता है तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें माफ करना ही बेहतर होता है।
दूसरों को माफ करके आप ऐसा फील करोगे जैसे कि आपके सर से कोई बोझ उतर गया हो। व्हील 3 वर्क लाइफ। सिर्फ लोगों की अच्छाई या देखने की कोशिश में हम ये फैक्ट से मुंह नहीं फेर सकते कि आज हर फील्ड में अनहेल्दी कॉम्पिटिशन है। लोग पावर और पॉलिटिक्स का यूज करके दूसरे लोगों की ग्रोथ को रोकने की कोशिश करते हैं। दूसरे लोगों के इंटेंशंस को जानना और उन्हें रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन जो चीज आसान है वो है अपने आप को बदलना। हमें जेलसी जैसी फीलिंग से हो सके उतना दूर रहना है। हमें अपने एम्बिशंस को अचीव करने के लिए अपने आप के साथ कम्पीट करना है। हमें यह ध्यान में रखना है कि हम अपने आप को पिछले दिन से ज्यादा बेटर कैसे बनाएं। यही चीज हेल्दी कॉम्पिटिशन है और यही चीज आपको अनहेल्दी कॉम्पिटिशन से बचा के रखेगी। इस प्रोसेस में स्पिरिचुअलिटी हमारी मदद कर सकती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम स्पिरिचुअलिटी का असली मीनिंग समझ ही नहीं पाते। हम सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है सिर्फ अपने पास जो है उससे सेटिस्फाइड रहना और मॉन्क बनके किसी आश्रम में अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना, लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है अपनी जरूरतों को कम करके दूसरों की यानी सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने की कोशिश करना। कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन सेल्फिश नहीं है, पर उसका युद्ध करना जरूरी था क्योंकि सोसाइटी के जो रिसोर्सेज थे वो कौरवों के हाथ में थे, यानी वो सेफ नहीं थे। अर्जुन अगर युद्ध ना करता तो वो रिसोर्सेज वेस्ट होने वाले थे। अब ऐसी सिचुएशन में अपने पर्पस को फॉलो करना स्पिरिचुअलिटी ही है। सिमिलरली अगर हमारा पर्पस सोसाइटी में वैल्यू ऐड करना है, जिसके लिए हम अपने एफर्ट्स और रिसोर्सेज लगाते हैं और वो भी बिना कुछ खोने के डर से, तो हम स्पिरिचुअलिटी को ही फॉलो कर रहे होते हैं। व्हील 4 सोशल कंट्रीब्यूशन। सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना यानी सेल्फिश से सेल्फलेस बनना। इस चीज को गौर गोपाल दास जी ने आइसक्रीम और कैंडल के एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया है। आइसक्रीम की आइडियोलॉजी होती है वो मेल्ट हो जाए उससे पहले उसे कंज्यूम करो, जबकि कैंडल के पीछे की आइडियोलॉजी होती है मेल्ट होने से पहले दूसरों को लाइट दो। हमारे लाइफ की जर्नी भी आइसक्रीम से कैंडल बनने की ओर आगे बढ़नी चाहिए। हमारी लाइफ का पर्पज ही शेयर करना है, दूसरों को कंट्रीब्यूट करना है। अब सवाल ये है कि अगर यही हमारा पर्पज है तो फिर पहले 3 व्हील्स की क्या जरूरत। तो जवाब है कि जो इंसान खुद की मदद नहीं कर सकता वो दूसरों की मदद करने के लिए कैपेबल नहीं बन सकता। खुद की मदद करने के बाद हमारा यह फर्ज बनता है कि हम अपने रिसोर्सेस, आइडियोलॉजी और वैल्यूज लोगों तक पहुंचाए ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट द बुक लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स। वीडियो से अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।